हेलो बिटी, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। टुडे वी आर स्टार्ट टू गोइंग द टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन ने जो कूलिंग का लॉ दिया था हम उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ही है ओनली इसका। ठीक है, तो देखो भाई क्या कहा था न्यूटन ने। अब हम सभी को पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ, मतलब अगर वो बॉडी का एक बॉडी आपने ले रखी है उसका टेम्परेचर जो है वो हाई है। ठीक है, आपने डे टू डे बहुत ज्यादा बार देखा होगा कि अगर कोई भी गर्म दूध रखा है तो थोड़ी देर बाद खुद ठंडा हो जाता है, गर्म चाय रखी है तो थोड़ी देर बाद खुद ठंडी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व की हैं कि जिस तरह से जैसे आपने एक चीज को छोड़ दिया और अगर उस चीज का टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पर ठंडी हो जाएगी। और अगर उस चीज का टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग कम है तो उस चीज का टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग के कंपैरिजन में, सराउंडिंग के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग है और जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने कैलोरीमीटर ले लिया। ठीक है, कैलोरीमीटर में 2/3 ऑफ कैलोरीमीटर को किसका फिल कर लिया, वाटर का फिल कर लिया और फिर उसको किसमें डाल दिया, एक वुडन ब्लॉक्स में, ब्लॉक में डाल दिया। अब इस कैलोरीमीटर और इस वुडन ब्लॉक के अंदर उन्होंने इंसुलेटेड मटेरियल को डाल दिया ताकि इसके अंदर कोई भी हीट ना जा पाए। ठीक है, अब इसके अंदर जब इंसुलेटेड मटेरियल डाल रखा है तो हीट का ट्रांसफर होना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सब्सटेंस यहाँ पर रहेगा, जो इस कैलोरीमीटर के अंदर सब्सटेंस रहेगा, उस सब्सटेंस की सराउंडिंग के साथ तो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अब जब सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो उन्होंने क्या किया, इसको 2/3 ऑफ किससे भर रखा है, वाटर से भर रखा है। ठीक है, अब उसको एक इंसुलेटिंग ढक्कन से ही उन्होंने क्या किया, कवर कर दिया और इंसुलेटिंग ढक्कन में दो होल छोड़ दिए, एक से उन्होंने थर्मोमीटर डाला और दूसरे से क्या डाला, उन्होंने स्टीरर डाला। ठीक है, तो थर्मोमीटर और उस थर्मोमीटर को इस तरह से डाला कि जो उसका बल्ब था वो बिल्कुल वाटर में चला जाए ताकि वो वाटर के टेम्परेचर को क्या कर सके, मीजर कर सके। ठीक है, अब उन्होंने वाटर के टेम्परेचर को उससे क्या कर लिया, मीजर कर लिया। ओके, वाटर के टेम्परेचर को मीजर कर लिया, फिर वाटर का टेम्परेचर लेट अस से उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया, वाटर का टेम्परेचर उन्होंने किया 5 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर कवर्ड था। ठीक है, अब ये जो कवर्ड है यहाँ से एक होल में से तो यहाँ पर स्टीरर है। ठीक है, और दूसरे होल में से यहाँ पर क्या है, थर्मोमीटर है। ठीक है, इस टाइप से थर्मोमीटर है। ओके, अब इस थर्मोमीटर ने पहले तो जब उन्होंने वाटर वाला डाला तो वाटर का टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, इस कॉपर कैलोरीमीटर को बाहर निकाल लिया और इसको निकालने के बाद क्या किया, उन्होंने इसको हीट कर दिया। हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा। अब इसको कहां तक हीट कर दिया, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट उन्होंने किया। उसके बाद वापस से इस कैलोरीमीटर को इस वुडन ब्लॉक में रखा। इस वुडन ब्लॉक में रखने के बाद क्या हुआ, इस वुडन ब्लॉक में उन्होंने इस कैलोरीमीटर को रख दिया। उसके बाद जब जैसे उन्होंने इस वुडन ब्लॉक में कैलोरीमीटर को रखा उसके बाद क्या हुआ, इसको स्टिर करने लग गए, मतलब हिलाने लग गए। और लेट अस से कि उन्होंने क्या किया, हर एक मिनट के बाद रीडिंग लेनी स्टार्ट कर दी कि इसका टेम्परेचर कितना होता हुआ चला जा रहा है। तो टी नोट तो हमने क्या मान लिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और टी मान लिया किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर। तो टी माइनस टी नोट उस टाइम पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। फिर उन्होंने ग्राफ जब प्लॉट किया तो वो ग्राफ कैसा आया, कुछ इस तरह से ग्राफ बना, इधर टाइम और इधर टी माइनस टी नोट इन डिग्री सेल्सियस, और ये था टाइम मिनट में। तो यहां से उन्होंने क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस है वो उसके अंदर और सराउंडिंग के अंदर अगर हीट का एक्सचेंज होता है तो उस हीट के एक्सचेंज का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग। ठीक है, हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होती है, हीट ट्रांसफर्स बिकॉज ऑफ
टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग, सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग, ठीक है, जितना ज्यादा सब्सटेंस में और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट एक्सचेंज होगी। अब उन्होंने नोटिस किया कि स्टार्टिंग में तो क्या है, हीट ज्यादा एक्सचेंज हो रही है और फिर उसके बाद धीरे 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 करते हुए क्या हो गई, वो कम होती हुई चली गई। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा टी ओवर टी निकालेंगे तो वो इस ग्राफ का स्लोप आएगा, ठीक है, स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी ओवर स्मॉल डेल्टा टी, किसी भी पॉइंट के ले लेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या बता सकते हो आप कि किस तरह से कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, कितना टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने सिर्फ इतना ही बताया था आपके लिए, आपके पास। अगर आप इसी को किसी न किसी टाइम के लिए लेना चाहें तो किस तरह से आ जाएगा आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया दैट लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जो लॉस ऑफ हीट हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, डी क्यू बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है, इट इज स्मॉल टी अ कॉन्स्टेंट। अब हमें पता है हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय एम एस डेल्टा टी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट के सिस्टम में अगर हम लिखना चाहें तो डी टी बराबर के टी माइनस टी नोट। तो यहां से डी डेल्टा टी ओवर डी टी क्या आ जाएगा, एम एस दोनों कॉन्स्टेंट है, मास भी कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस भी, तो के ओवर एम एस टी माइनस टी नोट, ये आ गया आपके पास डी डेल्टा टी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नोट। It is your Newton's law of cooling. ये है आपके पास आपका Newton's law of cooling, ठीक है? अगर यहीं पर आप इसको किसी time के लिए ले लेंगे तो किस तरह से आएगा कि इतना आपने temperature ले लिया और फिर उसके साथ साथ आप time लें तो क्या करेंगे आप? Let us see here. D delta T यहाँ पर क्या है आपके पास? T minus T note. ये आपके पास आ जाएगा नीचे और इधर K D T. अब हमने मान लिया T से T नोट क्या गया है, टेम्परेचर गया है, ठीक है, और ये क्या है K D T, ठीक है, टेम्परेचर में हमने बोल दिया कि 0 टू T चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए लिमिट क्या ले लेंगे, 0 टू T। और अगर हम लिमिट भी नहीं लेना चाहें, एक तो ये इसको यहाँ से डेल्टा T को हटा दो, ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, इसको कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, हमने स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए लिया है, ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब देखो भाई डी टी, अब इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, अगर टोटल निकालना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा, लॉग टी माइनस टी नोट के टी, ठीक है। अब अगर आप लॉग टी माइनस टी नोट और के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, ये टी, ये यहां पर लॉग टी माइनस टी नोट, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हमें बताया है कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज हैं वो क्या करती हैं, रेडिएशन एमिट करती हैं, ठीक है, वी नो वेरी वेल कि अगर कोई किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है या फिर उसके ऊपर रेडिएशन फॉल हो रही है तो वो क्या कर सकती है, तीन चीजें कर सकती है, क्या क्या, उसको रेडिएशन को, आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है और उसमें से ट्रांसमिट कर सकती है। अब हमने कह दिया कि हियर कोई सब्सटेंस है ये हमारे पास, ठीक है, इस सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन फॉल हो रही है। अब ये रेडिएशन फॉल होने के बाद सब्सटेंस ने क्या किया, इसको एमिट कर दिया, ठीक है, रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हो रही है, फिर इसने क्या कर दिया, इस रेडिएशन को एमिट कर दिया। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे रेडिएशन गिरने लगेगी, देखो भाई रेडिएशन एमिट करने के लिए क्या जरूरी हो कि सब्सटेंस का खुद का टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो, ठीक है, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो, ठीक है। अब एक सब्सटेंस है वो खुद ही, उसके पास बहुत सारी रेडिएशन, आप मान लो हीटर कॉइल ले ली हमने, उसको वो खुद ही मतलब बर्न हो रही है, खुद रेडिएशन एमिट कर रही है, क्या आप उसके ऊपर टॉर्च लेकर जाओगे वो उसकी रेडिएशन को एमिट एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा, वो खुद ही एक एमिटर है, एमिट कर रहा है, ठीक है, तो या तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, या फिर क्या कर देगा, एमिट कर देगा। एक केस क्या हो सकता है कि ये इसको इस
इसमें से पास कर दे, और एक ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल क्या कर लिया, सारी एब्जॉर्ब करता रहा। दूसरा केस हो सकता है, अब हम एक एब्जॉर्बिंग वाला पढ़ेंगे कि भाई एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ, दूसरा हम पढ़ेंगे सिर्फ एमिट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सब्सटेंस कंप्लीट की कंप्लीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, किसी को भी रिफ्लेक्ट ना करे, एमिट ना करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, सब्सटेंस का सराउंडिंग के टेम्परेचर में कम है, और इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग, तभी तो ये क्या करेगा, इनको रेडिएशन को एमिट करेगा। तो आपके पास ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ब्लैक बॉडी इज सच अ बॉडी विच एमिट्स विच एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, जितनी भी रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रही है वो उन सारी रेडिएशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट को या तो एमिट करती है या फिर जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है वो उसकी 100% को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो हमारे पास सन है, सन से जैसे आप लोग बाहर बैठते हो तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, हॉट फील होता है, तो ये आपके पास सन है। ठीक है, यहां से ये क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, हीट एमिट कर रहा है, तो लेट अस सी Q इज द हीट एमिटेड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके एरिया की। ठीक है, दूसरा, और ये हीट एमिटेड है। ठीक है, तो हीट एमिटेड पहली चीज तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर, जो सब्सटेंस हीट एमिट कर रहा है उसका एरिया कितना है। दूसरी चीज, कितने टाइम के लिए एमिट कर रहा है। ठीक है, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी, और यहां से क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ई ए टी। ठीक है, और ये क्या होता है, यहां पर ये होता है एमिसिविटी, क्या होता है ये, एमिसिविटी, कि कितनी हीट वो एमिट कर रहा है। ठीक है, ये एरिया और ये कितने टाइम के लिए कर रहा है, जितने ज्यादा टाइम के लिए करेगा उतनी ज्यादा हीट एमिट करेगा। ठीक है, ये एक इसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, पावर फोर पे, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए, ओके, क्यू किसके बराबर होता है, ई ए टी के बराबर। ठीक है, अब एक ब्लैक बॉडी कैसी बॉडी है, जिसके ऊपर जितने भी रेडिएशन गिर रही है, ठीक है, वो क्या करे, उन सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, क्या करे, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, किसी भी रेडिएशन को एमिट ना करे, तो क्या उसकी एमिसिविटी कुछ भी होगी। अब जो एमिसिविटी है, जो अभी अभी हमने यहाँ पर ई लिखा, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो सकती है। ठीक है, जीरो से वन के लिए, तो अगर वो ब्लैक बॉडी सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही कर पा रही है, कुछ एमिट ही नहीं कर रही, तो उसके लिए एमिसिविटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो एब्जॉर्बिंग कोफिशियंट होता है वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्बिंग कोफिशियंट कितना होता है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग कोफिशियंट क्या होता है, एब्जॉर्बिंग कोफिशियंट होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, टोटल लाइट एब्जॉर्ब या टोटल हीट अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब अपॉन टोटल इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट, मतलब कितनी इंसिडेंट लाइट गिर रही है और उसमें से उसने कितना एब्जॉर्ब किया है। अगर वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये क्या आ जाएगा, वन, अगर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ए कितना होता है ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए ए होता है वन। अब दूसरी बात ये आती है, क्या ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की होना जरूरी है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की ही हो। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आप किसी रूम में गए, वहां पर टॉर्च लेकर गए, ठीक है, वहां पर एक ब्लैक बॉडी रखी है, तो वो जब आपने उसके ऊपर लाइट डाली तो उसने क्या किया, सारी लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब उसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, ब्लैक दिखाई दे रही है। बट अगर ऐसा होता कि उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग ज्यादा होता तो वो क्या कर रही होती, वहां पर रेडिएशन एमिट कर रही होती, तो वहां पर उस टाइम भी वो क्या हो जाती, एमिटर हो जाती।
अब देखो एक चीज हो सकती है कि कितनी एमिट करेगी, कितनी लाइट को ब्लैक बॉडी एमिट करेगी। तो कितनी लाइट को ब्लैक बॉडी एमिट करेगी, जरूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर गिरने वाली पूरी लाइट को एमिट कर रही हो भाई, ठीक है। अब क्या करती है, ब्लैक बॉडी मैक्सिमम लाइट को एमिट करती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है और वो एक मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम लाइट को एमिट कर पा रही है, तो आप उसको क्या कह सकते हो, ब्लैक बॉडी है। अब जो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आज तक परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कितना भी ब्लैक बना लो, कैसा भी बना लो, उसमें से कुछ ना कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो जो कार्बन ब्लैक होता है उससे बना, जो गोल्ड ब्लैक होता है इससे इससे आप ब्लैक बॉडी इजिली बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि एक तो आपने पॉलिश्ड सरफेस ले लिया, ठीक है, और दूसरा आपने ऐसा सरफेस ले लिया जो टोटली ब्लैक है, ये कंप्लीटली क्या है भाई, ब्लैक है, कंप्लीटली ब्लैक। तो इसके ऊपर 100% गिरी, इसने 100% क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। इसके ऊपर 60% गिरी, ठीक है, उसने 60% ही क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। मतलब ये सिर्फ 60% के लिए ही क्या है, 60% के लिए ही सेंसिटिव है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या है कि कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वाइन्स लॉ। वाइन्स लॉ वाइन्स लॉ तो ये देखा गया, एक ग्राफ बनाया गया किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में और लैम्डा के बीच में, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा गया, एक मिनट भाई, ये वाइन्स लॉ और स्टेफन्स लॉ दोनों आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।